हेलो नमस्कार दोस्तों, फ्री डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं गणित प्रश्नावली 7.7। तो इसको पढ़ने से पहले हम कुछ फार्मूला समझ लेते हैं जो इसमें लगाने हैं, और फिर जो है इसके बाद हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसमें जो है सबसे ज्यादा ये तीन फार्मूला लगाने हैं आपको। एक्स वर्ग प्लस ए वर्ग करणी में है तो उसका समाकलन क्या होता है, और एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग है तो उसका समाकलन क्या होता है, और ए वर्ग माइनस एक्स वर्ग है तो क्या होता है। तो इनके जो है फार्मूला याद करने के लिए आपको, देखिए हमने प्रश्नावली 7.4 में कुछ फार्मूला बताए थे। यदि जे फार्मूला आपको पता है तो आराम से जो है आप फार्मूला बना सकते हो। देखिए हमने एक जे फार्मूला एक्स वर्ग प्लस ए वर्ग वाला देखा था, जो एक बटे था लॉग एक्स प्लस एक्स वर्ग प्लस ए वर्ग था, और एक बटे एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग का जे भी देखा था, और एक बटे ए वर्ग माइनस एक्स वर्ग का जे देखा था। बिल्कुल इन्हीं की सहायता से जो है हम इन तीन फार्मूलों को बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हम बात करें तो सबसे पहले इन सब में लिखिए आप एक बटे दो, एक बटे दो, एक बटे दो, तीनों फार्मूलों को एक साथ हम बनाते हैं। एक बटे दो एक्स 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 लिखा, फिर करणी के अंदर जो संख्या है वो संख्या लिखिए, एक्स वर्ग प्लस ए वर्ग है, और यहाँ पे करणी के अंदर है एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग है, और यहाँ पे करणी के अंदर ए वर्ग माइनस एक्स वर्ग है। तो इतना सब तो आपसे बन जाएगा ना। तीनों फार्मूलों की बात करें तो एक बटे दो एक्स एक्स एक्स, और फिर जो है इसके बाद एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग लिखा, और यहाँ पे एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग लिखा, और यहाँ पे ए वर्ग माइनस एक्स वर्ग लिखा। जो करणी में था वो आपने जाकेता लिखा। इसके बाद क्या करना है, सब में जो है आपको लिखना है ए वर्ग बटे दो लिखना है। यहां भी हमने ए वर्ग बटे दो लिखा, यहां भी हमने ए वर्ग बटे दो लिखा। अब देखिए बीच में आपको चिन्ह लगाना है, तो यहां पे ए वर्ग धन का है तो धन का ए वर्ग बटे दो, यहां पे ऋण का है तो इसलिए ऋण का ए वर्ग बटे दो, यहां पे ए वर्ग धन का है तो धन का ए वर्ग बटे दो लिखा। तो तीनों जगह हमने ए वर्ग बटे दो लिखा है। यहां ऋण का ए वर्ग बटे दो आया, यहां धन का ए वर्ग बटे दो, यहां भी धन का ए वर्ग बटे दो। इसके बाद देखिए जो हमने जो पिछले फार्मूला पढ़े थे उन तीनों फार्मूलों पे नजर डालते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक बटे ए वर्ग माइनस एक्स वर्ग के साथ क्या है, साइन इनवर्स एक्स बटे है, तो ए वर्ग माइनस एक्स वर्ग के साथ आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बटे ए लिखना है प्लस समाकलन स्थिरांक सी। देखिए यहाँ पे है ना एक बटे ए वर्ग माइनस एक्स वर्ग, इसके साथ क्या है साइन इनवर्स एक्स बटे प्लस सी है, तो इसके साथ हमने साइन इनवर्स एक्स बटे ए लिखा प्लस सी। अब देखिए एक्स वर्ग माइनस वर्ग एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग के साथ क्या था, लॉग एक्स, और प्लस करनी में जो है एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग, तो इसके साथ भी हमने वही लिखा लॉग एक्स, प्लस करनी के अंदर एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग लिखा और प्लस सी लिखा। अब देखिए इसके बाद एक्स वर्ग प्लस ए वर्ग, तो यदि बात करें एक्स वर्ग प्लस ए वर्ग के साथ लॉग एक्स प्लस जो है करनी में जो था, तो यहां भी हमने बिल्कुल वही लिखा कि लॉग एक्स प्लस करणी के अंदर x वर्ग प्लस ए वर्ग लिखा और प्लस समाकलन स्थिरांक लिखा सी। तो इस टाइप से जो है एक बटे ए वर्ग माइनस एक्स वर्ग के साथ साइन इनवर्स एक्स बटे, तो हमने ए वर्ग माइनस एक्स वर्ग के साथ साइन इनवर्स एक्स बटे, और एक बटे जो है एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग के साथ लॉग, और x प्लस एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग, तो एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग के साथ जे लिखा है हमने कि यहाँ पे ए वर्ग लॉग एक्स प्लस जो है एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग लिखा है, और फिर बात करें एक्स वर्ग प्लस ए वर्ग को हमने लॉग जे लिखा है एक्स प्लस एक्स वर्ग प्लस ए वर्ग। मतलब इन तीन फार्मूलों की सहायता से हमने ये तीन फार्मूला बना लिए हैं जो इस प्रश्नावली में हमें लगाने हैं। तो देखिए पहला सवाल दिया गया है, हमें इस सवाल का समाकलन करना है, तो समाकलन dx और हमने किया। अब देखिए इस सवाल को हम ऐसा कर सकते हैं ना कि करणी जाकेता, चार को हम दो का वर्ग लिख सकते हैं और x का वर्ग लिखा है। अब आप देख सकते हैं कि इसका समाकलन करना है, तो फार्मूला बन चुका है a वर्ग माइनस एक्स वर्ग का, तो a वर्ग माइनस एक्स वर्ग का फार्मूला लगाएंगे। तो यदि हम फार्मूला लगाते हैं a वर्ग माइनस एक्स वर्ग का समाकलन करते हैं, तो एक बटे दो एक्स करणी में ए वर्ग माइनस एक्स वर्ग प्लस ए वर्ग बटे दो साइन इनवर्स एक्स बटे प्लस सी आता है। तो यदि लगाएंगे तो क्या आएगा, एक बटे दो एक्स जाकेता लिखिए, और फिर ए वर्ग माइनस एक्स वर्ग, मतलब यहाँ पे दो का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग आ जाएगा, प्लस ए वर्ग, और ए का मान कितना है दो का वर्ग करेंगे, और बटे दो आएगा साइन इनवर्स एक्स, कितना है एक्स तो एक्स है, और ए का मान कितना है दो है, प्लस सी लिख देते हैं। और आगे यदि आप सॉल्व करते हैं तो एक बटे
दो एक्स, करणी के अंदर चार माइनस एक्स वर्ग, और यहाँ दो का वर्ग चार बटे दो करेंगे तो दो बचा रहेगा, साइन इनवर्स एक्स बटे दो प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं दूसरा सवाल है, 1 माइनस फोर एक्स का वर्ग है, इसका हमें समाकलन करना है, तो इसे इंटू डी एक्स और लिखा हमने। अब देखिए सवाल को जो है हम पहले तो दो स्क्वायर बना लेते हैं, जैसे 1 को हमने 1 का वर्ग लिखा, 4x वर्ग को हम 2x का वर्ग लिख सकते हैं ना, 4x वर्ग को 2x का वर्ग लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स लिखा। अब फिर जो है जो अभी फार्मूला हमने a वर्ग माइनस x वर्ग लगाया था, दोबारा पुनः फार्मूला बन चुका है a वर्ग माइनस x वर्ग का, तो हमने फार्मूला लगाया ए वर्ग माइनस एक्स वर्ग का एक बटे दो एक्स, करणी में ए वर्ग माइनस एक्स वर्ग प्लस ए वर्ग बटे दो, साइन इनवर्स एक्स बटे प्लस सी हो जाता है लास्ट में। यदि जी आप फार्मूला लगाते हैं तो इस फार्मूला से अब देखिए एक बटे दो लिखा पहले हमने, और x की जगह x का मान क्या है 2x लिखा, तो 2x, और फिर करणी के अंदर a वर्ग मतलब 1 का वर्ग रहेगा, और फिर जो है x वर्ग मतलब 2x का वर्ग रहेगा, तो 2x का वर्ग लिखा, प्लस a वर्ग, तो a वर्ग यदि देखें तो 1 का वर्ग है तो 1 का वर्ग रहेगा, और नीचे 2 साइन इनवर्स, और जो है x का मतलब कितना है 2x है तो 2x आपको लिखना है, और बटे a का मान कितना रखना है 1, तो j हो जाएगा इसका समाकलन। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना कि जो है समाकलन में देख रहे हो आप x का गुणांक कितना है 2, तो 2 आपको बटे में जाके रिपीट करना पड़ेगा, तो 2 बटे में रिपीट होगा, j आप विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि 2 यहाँ पे बटे में रिपीट होता है। जैसे हम बात करें, हमें पता है जैसे हम cos 2x का समाकलन करते हैं तो cos 2x का क्या होता है, sin 2x होता है, और जो 2x का बटे में 2 समाकलन में रिपीट होता है, जबकि अवकलन करते हैं तो इंटू में रिपीट होता है। जैसे हम e2x का करते तो e2x का e2x होता है, और 2x 2 बटे में रिपीट हो जाता है, तो वही चीज़ यहाँ 2x का 2 बटे में रिपीट करना है, फिर बाद में समाकलन स्थिरांक c लगाना है। अब देखिए आप इस 2 को आगे लिख सकते हैं तो आगे 1 बाई 2 बन जाएगा, और यहाँ पे देखें तो 2 से 2 कट चुके होंगे, x बचा होगा, और यहाँ पे 1 का वर्ग माइनस 2x का वर्ग, तो वापस वही बन जाएगा कि 1 माइनस 4x का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 बटे 2 साइन इनवर्स, अब 2x बटे 1 आपको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस सी जहाँ कितना लिखा है हमने, और देखिए 1 बटे 2 का यदि आप गुणा कर लेते तो 1 बटे 2x, और फिर 1 माइनस 4x वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बटे 2 का जब 1 बटे 2 से गुणा करोगे तो 1 बटे 4 होगा, साइन इनवर्स 2x जाके था हमने लिखे, प्लस सी समाकलन स्थिरांक, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं तीसरा सवाल, x वर्ग प्लस 4x प्लस 6, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो करणी के अंदर संख्या है उसे दो वर्गों में डिवाइड करना है, तो रफ में यदि आप देखें कि x वर्ग प्लस जो है 4x प्लस 6 दिया गया है, x वर्ग प्लस 4x प्लस 6 दिया गया है, तो हम क्या करते हैं x का गुणांक 4, 4 का आधा होता है 2, तो 2 का वर्ग हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं, और 2 का वर्ग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, यदि ऐसा करते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 6 में से 4 घटाएंगे, बचा होगा 2, और 2 जो बचा होगा यदि दो वर्गों में डिवाइड करना है तो 2 को आप किसका वर्ग लिखोगे, करणी 2 का वर्ग लिखोगे, क्योंकि करणी 2 का वर्ग 2 होता है। तो पहले हमने सवाल को जो समाकलन करना था उसके दो वर्ग बनाए, और दो वर्ग कौन कौन से बन गए, एक तो बना x प्लस 2 का वर्ग बन चुका है, तो एक लिखा x प्लस 2 का वर्ग बना है, दूसरा प्लस जो है करणी 2 का वर्ग बना है, तो करणी 2 का वर्ग हमने यहाँ पे लिखा है, इंटू dx जाके ता लिखा। अब देखिए यदि बात करें तो यहाँ पे x वर्ग प्लस a वर्ग, करणी में x वर्ग प्लस a वर्ग का फार्मूला बन जाता है। अब देखें तो यदि हम समाकलन का फार्मूला लगाएं कि x वर्ग प्लस a वर्ग होता है करणी के अंदर, तो समाकलन होता है 1 बटे 2 एक्स एक्स वर्ग प्लस a वर्ग बटे 2 और log x प्लस करणी के अंदर x वर्ग प्लस a वर्ग, और बाद में समाकलन स्थिरांक लगा देते हैं, तो वही फार्मूला यहां पे लगाएंगे हम। तो 1 बटे 2 लिखा हमने, 1 बटे 2 एक्स का मतलब कितना है x प्लस 2, तो x का मतलब हमने लिखा है x प्लस 2, और करणी के अंदर x वर्ग प्लस a वर्ग मतलब यहाँ पे आएगा x प्लस 2 का वर्ग, और प्लस a वर्ग मतलब करणी 2 का वर्ग आएगा, तो करणी 2 का वर्ग लिखा, प्लस a वर्ग मतलब a का मान करणी 2 है, तो करणी 2 का वर्ग आएगा यहाँ पे, और बटे 2 आएगा, और फिर log होता है तो log लिखा, फिर जो है x, x का मतलब x प्लस 2 है तो x का मतलब x प्लस 2 लिखा, प्लस जो है करणी के अंदर x वर्ग प्लस a वर्ग लिखेंगे तो x वर्ग प्लस a वर्ग का मतलब
है x प्लस टू का वर्ग लिखेंगे, प्लस जो है करणी टू का स्क्वायर लिखेंगे, और बाद में जो है समाकलन स्थिरांक लिखा जाता है c, तो हम c लिखेंगे। और आगे यदि आप देखते तो एक बटे दो एक्स प्लस दो जाके ता लिखे। अब देखिए करणी के अंदर x वर्ग प्लस दो का होल स्क्वायर और जो है यहाँ पे करणी टू का स्क्वायर, तो इसे वापस आप इसी रूप में लिख सकते हैं। इस वजह से एक्स वर्ग प्लस चार एक्स प्लस छः यहाँ पे लिख दो, और यहाँ करणी दो का वर्ग दो होता है, दो बटे दो संख्या कट जाएगी, तो यहाँ पे संख्या काट दे, दो बटे दो कट गए लॉग, और यहाँ पे एक्स प्लस टू हमने जाके ता लिखा है, और प्लस जो है करणी के अंदर वही संख्या फिर है, तो वापस बनाओगे एक्स वर्ग चार एक्स छः बन जाएगा, तो यहाँ करणी के अंदर बन जाएगा एक्स वर्ग प्लस चार एक्स प्लस छः बन जाएगा, और प्लस समाकलन स्थिरांक जाके ता लिखिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है x वर्ग प्लस चार एक्स प्लस वन, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इसका हमें समाकलन करना है, तो समाकलन करने के लिए आपको क्या जरूरी है, दो वर्ग बनाना जरूरी है। तो हम देखते हैं यदि दो वर्ग बनाएंगे तो क्या बनेंगे, x वर्ग प्लस चार एक्स यहाँ पे है, प्लस वन है अचर पद, तो देखिए x का गुणांक है चार, चार का आधा करते हैं दो, दो का वर्ग यहाँ पे जोड़ेंगे एक बार, और एक बार हमें दो का वर्ग क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो यहाँ तो बन जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, और यहाँ पे वन में से चार घटाएंगे, बचा रहेगा तीन। अब तीन तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो तीन को आप क्या लिखेंगे, करणी तीन का वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दो वर्ग में डिवाइड हो गई संख्या, एक एक्स प्लस टू का स्क्वायर और एक माइनस और करणी तीन का स्क्वायर बन गया। तो अब यहाँ पे एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग का समाकलन का फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए हमने फार्मूला लगाया x वर्ग माइनस ए वर्ग का क्या होता है, एक बटे दो एक्स करणी के अंदर x वर्ग माइनस ए वर्ग, फिर माइनस चिन्ह ए वर्ग बटे दो और लॉग x प्लस जो है x वर्ग माइनस ए वर्ग और प्लस समाकलन स्थिरांक c होता है। तो यदि आप ये फार्मूला लगाते हैं तो क्या होगा, देखिए एक बटे दो हमने लिखा, एक बटे दो एक्स की जगह एक्स का मान रखोगे एक्स प्लस टू है, फिर जो है करणी के अंदर यहाँ एक्स प्लस टू, करणी के अंदर एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग, मतलब यहाँ पे एक्स प्लस टू का वर्ग एक्स की जगह रखो, और ए वर्ग मतलब करणी तीन का वर्ग रखना है, तो करणी तीन का वर्ग रख दो, फिर माइनस चिन्ह ए वर्ग मतलब करणी तीन का वर्ग हो जाएगा, तो करणी तीन का वर्ग लिखो, और बटे दो लॉग, और फिर जो है एक्स एक्स की जगह कितना रखना है, एक्स प्लस टू रखना है, तो एक्स प्लस टू रख दो, और जो प्लस करणी के अंदर एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग मतलब एक्स प्लस टू का वर्ग माइनस करणी तीन का वर्ग, एक्स प्लस टू का वर्ग माइनस करणी तीन का वर्ग लिखा, और फिर जो है पीछे समाकलन स्थिरांक सी था, तो पीछे समाकलन स्थिरांक सी लिख देना। अब देखिए यदि एक स्टेप भी आप सॉल्व करते हो तो एक बटे दो एक्स प्लस टू, अब करणी के अंदर जो है वापस आप जो है इसे उसी रूप में चेंज कर सकते हो, एक्स प्लस टू का वर्ग माइनस करणी तीन का वर्ग क्या बना सकते हो, एक्स वर्ग प्लस चार एक्स प्लस वन बन जाएगा, माइनस करणी तीन का वर्ग तीन बाहर, बटे दो, यहाँ पे भी सेम आप कर सकते हो, एक्स प्लस टू जाके ता, और करणी में यदि जो है इसे वापस जो है इस रूप में चेंज कर दोगे तो एक्स वर्ग प्लस चार एक्स प्लस वन हो जाएगा और समाकलन स्थिरांक सी जाके ता, यही आपका आंसर होगा। देखिए अगला सवाल है पांचवा, वन माइनस फोर एक्स माइनस एक्स वर्ग करणी के अंदर हमें इसका समाकलन करना है, तो इसका समाकलन करने के लिए आपको दो वर्ग बनाने होंगे, तो दो वर्ग बनाने का प्रयास करते हैं। तो रफ में देखा जाए यदि तो वन माइनस फोर एक्स माइनस एक्स वर्ग है, तो माइनस चिन्ह यदि हम यहाँ से कॉमन कर दें तो एक्स वर्ग यहाँ पे धन का हो जाएगा और चार एक्स भी यहाँ पे धन का हो जाएगा। अब आप देखिए कि एक्स का गुणांक जो है चार है, चार का आधा दो होता है, तो दो का वर्ग आपको जोड़ना है और दो का वर्ग घटाना है, तो यहां पे देखिए दो का वर्ग लिखा, अब हमने यहां भी दो का वर्ग लिखा लेकिन यहां प्लस लगा रहे हैं, कारण क्या है कि माइनस चिन्ह कॉमन लिया था, इस वजह से जो दो का वर्ग है यहां माइनस हो गया, तो यहां प्लस करना पड़ेगा, अब दो का वर्ग चार और एक आएगा पांच, और यहां पर हो जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, यहाँ पे पांच को हम करणी पांच का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस टू का वर्ग जाके ता लिखेंगे। अब आपका सवाल जो है दो भागों में विभक्त हो गया, एक तो करणी पांच का वर्ग बन गया और फिर माइनस और यहाँ पे एक वर्ग बन गया एक्स प्लस टू का वर्ग, तो दो वर्गों में डिवाइड कर लेते हो। आप देखिए ए वर्ग माइनस एक्स वर्ग का फार्मूला लगा देते हो, जब करणी के अंदर ए वर्ग माइनस एक्स वर्ग होता है तो उसका समाकलन का जो फार्मूला होता है वो हम लगाएंगे।
तो फार्मूला क्या होता है, ए वर्ग माइनस एक्स वर्ग इक्वटी दो एक्स, करणी के अंदर ए वर्ग माइनस एक्स वर्ग प्लस ए वर्ग बटी दो साइन इनवर्स एक्स बटी ए होता है, प्लस समाकलन स्थिरांक। इसको यदि आप लगाते हैं तो देखिए क्या मिलेगा आपको, एक बटी दो एक्स की जगह कितना मिलेगा, एक्स प्लस टू मिलेगा, और करणी के अंदर ए वर्ग माइनस एक्स वर्ग, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे करणी पांच का वर्ग है, ए वर्ग माइनस एक्स मतलब एक्स प्लस टू का वर्ग मिलेगा आपको, और प्लस ए वर्ग मतलब करणी पांच का वर्ग करना होगा आपको, करणी पांच का वर्ग और बटे दो, फिर साइन इनवर्स एक्स की जगह कितना लिखना पड़ेगा, एक्स प्लस टू लिखना पड़ेगा, और बटे ए का मतलब है करणी पांच, और समाकलन स्थिरांक लिखना पड़ेगा सी। अब देखिए आगे यदि आप एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो एक बटे दो एक्स प्लस टू जाके था, इसे वापस आप बनाओगे तो वन माइनस फोर एक्स माइनस एक्स वर्ग बन जाएगा, वन माइनस फोर एक्स माइनस एक्स वर्ग बन जाएगा, और करणी पांच का वर्ग पांच बाहर आ गए, बटे दो साइन इनवर्स, और यहाँ पे एक्स प्लस दो बटे करणी पांच और प्लस सी समाकलन स्थिरांक जाके था, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला छठवां सवाल, एक्स वर्ग चार एक्स माइनस पांच है, इसका आपको समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप करणी के अंदर वाली संख्या को दो वर्गों में डिवाइड करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए रफ में एक्स वर्ग प्लस चार एक्स है और माइनस पांच है, तो माइनस पांच को थोड़ी हमने पीछे लिखा। अब देखिए एक्स का गुणांक चार का आधा करेंगे आप, तो चार का आधा दो होता है, तो दो का वर्ग एक बार आपको जोड़ लेना है, और एक बार जो है दो का वर्ग क्या कर लेना है, घटा लेना है दो का वर्ग, तो दो का वर्ग एक बार घटा लेते हो तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ माइनस के पांच और दो का वर्ग चार होगा, तो यहाँ पे पांच चार नौ हो जाएंगे, और नौ को आप तीन का वर्ग लिख सकते हो, तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, नौ को हमने लिखा तीन का वर्ग, तो दो वर्ग हमने इसके बनाए, एक वर्ग बना एक्स प्लस टू का वर्ग और एक वर्ग बना लिया तीन का वर्ग। तो अब यहाँ पे फार्मूला एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग करणी में जब होता है तो उसका समाकलन वाला हम फार्मूला लगा लेते हैं। तो यदि आप फार्मूला लगाते हैं तो एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग का एक बटे दो एक्स, एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग बटे दो लॉग एक्स प्लस करणी के अंदर एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग प्लस सी वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा आंसर, देखिए एक बटे दो, अब एक्स एक्स की जगह कितना लेना पड़ेगा, एक्स प्लस दो एक्स की जगह ले लेते हैं, और करणी के अंदर एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग मतलब जे वाली संख्या का वर्ग, एक्स प्लस टू का स्क्वायर, और माइनस ए वर्ग मतलब यहाँ पे तीन का वर्ग करेंगे, और माइनस ए वर्ग मतलब ए का मान तीन है तो तीन का वर्ग रखिए, बटे दो लॉग, और फिर यहाँ पे एक्स एक्स का मान कितना लेना है, एक्स प्लस टू लेना है तो एक्स प्लस टू ले लेते हैं, प्लस जो है करणी के अंदर एक्स वर्ग माइनस ए वर्ग मतलब यहाँ पे एक्स प्लस टू का वर्ग माइनस ए वर्ग मतलब यहाँ पे तीन का वर्ग लिखेंगे, और प्लस जो है एक समाकलन स्थिरांक लिख लेते हैं आप सी। इसके बाद देखिए एक आध स्टेप और आप सॉल्व कर सकते हैं, तो कर दीजिए एक्स प्लस टू जहाँ कितना लिखा आप देखिए करणी, तो यदि बात करें इसको जब हमने इन दो वर्गों में बनाया तो वापस इसकी जगह जे वाली संख्या आपको लिख देनी है, एक्स वर्ग प्लस चार एक्स माइनस पाँच, और यहाँ पे तीन का वर्ग नौ बट्टे दो हो जाएगा लॉग जहाँ कितना लिखिए, और फिर यहाँ एक्स प्लस टू जहाँ कितना लिखिए, और वापस यहाँ भी हम वही संख्या बना देते हैं, इसकी जगह जे वाली संख्या एक्स वर्ग प्लस चार एक्स माइनस पाँच, और जो है प्लस सी जहाँ कितना लिखते हैं, यही आपका आंसर होगा।